नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। चीन सीमा विवाद मोदी सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है। अब तक सैन्य स्तर की बातचीत हो गई है, लेकिन इसके बावजूद हालात जस के तस बने हुए, जिसकी वजह से भारत चीन रिश्तों में तनाव बना हुआ है। लेकिन इस तनाव भरे माहौल में भी लगता है कांग्रेस को मजाक सूझ रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जहां खुद बयानबाजी कर रहे हैं, तो वही छत्तीसगढ़ कांग्रेस पीएम मोदी का मजाक उड़ा रही है। चीन सीमा विवाद पर तंज मारते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने फिल्म एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की एक तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा है, ऐसी होती हैं लाल आंखें, अब तो दिखा दो मोदी जी। कांग्रेस के ट्वीट पर एक ट्विटर यूजर ने लिखा, भारत की सबसे पुरानी पार्टी का दंभ भरने वाली कांग्रेस आज कितने निम्न स्तर पर पहुंच चुकी, इस बात को इस ट्वीट के माध्यम से आसानी से देखा व समझा जा सकता है। इससे पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी ट्वीट कर तंज मारते हुए लिखा था, कहां गई वो लाल आंखें, जरा अपने गिरेबा में झांके, मोदी जी कब तक शांत रहेंगे, चीन पर सवालों से कब तक बचेंगे। कांग्रेस चीन मुद्दे पर सरकार को घेरने में जी जान से जुटी हुई है। हाल ही में खुद राहुल गांधी ने दो ट्वीट कर पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सवाल पूछे थे। राजनाथ सिंह से उन्होंने पूछा था कि क्या चीन ने लद्दाख में किसी भारतीय क्षेत्र पर कब्जा किया है, जबकि दूसरे ट्वीट में खुद ही बताते हुए कहा था, लद्दाख में चीनी हमारे क्षेत्र में दाखिल हो गए, इस बीच प्रधानमंत्री पूरी तरह खामोश हैं और कहीं नजर नहीं आ रहे। कांग्रेस की ओर से जारी बयानबाजी के बीच रक्षा मंत्री ने पूरे विपक्ष को आश्वासन दिया है कि वो इस मुद्दे पर हर सवालों का जवाब संसद में देंगे।